और बनाता हूँ, और बनाता एक पिक नहीं आता। नाइस, वेरी नाइस, ये उससे भी बेहतर है। वाव, वेरी गुड यार। एक काम करो, अब एक तस्वीर मेरी समझ के साथ बना दो, हैं? Yeah. अब दिखाओ तो कैसी बनी। नॉट बैड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या सोच रही हूँ? कुछ नहीं। तो फिर इतनी संजीदा क्यों? बाज लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं ना। अब किसकी खुशकिस्मती पे रश्क आ रहा है तुम्हें? आज़र की। क्यों? अब देखो ना, कितना पैसा है उसके पास। डिफेंस में भी अपना घर है, बूर्बन में है, सी साइड पे हट है शेयर्स के। तो सिर्फ पैसा किसी शख्स पर रश करने की वजह बन सकता है। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें अपने दोस्त पे रश्क नहीं आता? नहीं। क्यों? मैं दुनिया में हजारों चीजें रश करने के लिए। होंगी, लेकिन मुझे उसकी बीवी को देख के बड़ी हैरत होती है। ना शक्ल है ना अकल, और देखो आज़र जैसा स्मार्ट, पढ़ा लिखा, पैसे वाला शौहर मिला है उसे। शायद दूसरे लोग मुझ पर रश करते हो। चलो शुक्र है तुम्हें अभी भी याद है, वरना मैं तो समझ रही थी शायद वक्त के साथ साथ मेरी कदर कम हो गई है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखते हैं। देख लेना। बाजी जी, बाजी जी। Yeah. वो खाला जी आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। खाला को जब मेरा नाश्ता करना होगा ना, उधर आगे कर लूंगी। सुबह सुबह डिस्टर्ब कर देती है। जी अच्छा। अभी तक सो रही है सम्मन बाजी। अरे तो जगा देती तुम, 11 बज रहे हैं, नाश्ता नहीं किया अभी तक। मैंने जगाया था, उल्टा मुझ पर नाराज हो गई। चलो सोने देती हूँ मैं, उठ जाएगी खुद ही, नाश्ता कर लेगी, फिर बना दूंगी मैं। आपकी जगह कोई और सास होती ना तो क्या मजा आती कि बब्बे इस तरह आराम कर रही होती। सारी उम्र उसी ने इस घर में काम करना है। खाला जी, आप आदतें खराब कर रही हैं सम्मन बाजी की, ऐसा ना हो कि कल को आपके लिए कोई मसला बन जाए। नई नई शादी है उसकी, आते ही साथ उसको घर के काम काज पर लगा दूं। पहले भी तो मैं ही करती थी ना ये सारे काम, अब अगर कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। खाला जी, एक आप है जो उनका साइड ले रही है और एक सम्मन बाजी है जो फोन पर सहेलियों से आपके लिए उल्टा सीधा कहती रहती है। मेरे लिए क्या उल्टा सीधा कहेगी वो, ये उनको पता है जी, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो फोन पर अपनी सहेलियों से आपकी बुराइयां करती रहती है। क्या बुराइयां? यही कि मेरी सास को घर में टिकने का शौक नहीं है, मोहल्ले में फिरती रहती है, हर वक्त फैसल साहब के कान भरती रहती हैं। मेरी सहेलियां आ जाए तो उन्हें बुरा लग जाता है, वो चाय बनाने को मना करती है, सहेलियों को डांट के निकाल देती है, और क्या क्या बताऊं। शरीयत तो है ना, आप इतनी जल्दी लेट गई सोने के लिए। हाँ बेटा, खैरियत है। आओ बैठ। अम्मी आप परेशान है? नहीं बेटा, बस। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, बस मुझे समन से शिकायत थी और तुमसे इसलिए बात कर रही क्योंकि उससे बात करने का तो कोई फायदा नहीं। क्या कैसी शिकायत? वो अपनी सहेलियों से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करती फिर रही है। कभी ये कहती है कि मैं सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती रहती हूँ, घर पे टिक के नहीं बैठती, और ये कि मैं तुम्हारे कान भर रही हूँ। मतलब मेरी अपनी भांजी है ये, मेरा खून है, और मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है। अम्मी ये कैसे हो सकता है? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। किसने कहा आपसे? रशीदा ने बताया था। आप भी नौकरों की बातों पे यकीन कर रही हैं? नौकरों का तो काम होता है झूठ बोलने का, इधर की उधर लगानी और बिला वजह लड़ाई करवा देना। मुझे रशीदा पे पूरा भरोसा है, और समन ने कुछ तो कहा होगा उससे जो उसने मुझे आके ये बताया। ठीक है अम्मी, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कुछ कहा है तो वो आपसे आके माजरत करेगी। मुझे उसकी माजरत की जरूरत नहीं है, कम से कम इज्जत तो करे मेरी। करती है ना अम्मी वो आपकी इज्जत, आप परेशान ना हो, मैं उससे पूछूंगा। मुझे समन की इस बात से बड़ा दुख हुआ है। सास समझ कर लिहाज नहीं करती तो कम से कम खाला समझ कर ही लिहाज कर ले। अम्मी अच्छा, मैं अभी पूछता हूँ, ठीक है? आप परेशान। खाला की तो आदत है राई का पहाड़ बनाने की, कोई बात सुन नहीं सकती, जाती नहीं वो मोहल्ले में। कहाँ जाती, एक तुम्हारे घर जाती है और एक पड़ोस में, बस। जो भी है, बहुत दुख हुआ है उन्हें। अम्मी के दुख की परवाह है, और जो तुम्हारी बातों से मुझे दुख होता है उसका बिल्कुल एहसास नहीं है तुम्हें। अरे मैंने क्या कहा है तुम्हें? अभी तुमने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। ओहो यार, मैं तुम्हें समझा रहा था, बड़ों से इस तरह तो नहीं बात करते ना, एहतियात करते हैं। अच्छा करूंगी एहतियात, लेकिन पहले मैं इस रशीदा की बच्ची से पूछूंगी जाके खाला को मेरी शिकायत क्यों की इसने। अम्मी से एक्सक्यूज कर लेना, वो तो मेरी तरफ से कर लेना उन्हें। गलती तुम्हारी थी। गलती मेरी है तो इस बात पे अब मेरी जान ले लो, फांसी दे दो मुझे। ओहो इतना गुस्सा, तो और क्या करूं? अच्छा तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर खाने पे चलें। पहले मूड खराब करते हो फिर खाने की ऑफर करते हो। अरे मैं नाराज तो ना, चलते हैं ना। मैंने तो आप फैसल से कहे ना कि वो समझाए उससे। फैसल से क्या कहूँ, उसे तो अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। समन की इन हरकतों की वजह ना फैसल ही है, वरना इतनी फूहड़ और लापरवाह तो नहीं थी वो। जो कुछ भी है, हमारे घर में तो मसले बने हुए हैं ना, सारा सारा दिन फोन पे लगी रहती है या टीवी देखती रहती। 7000 रुपए आया है फोन का बिल। हम मुतवसत तबके के लोग हैं, इतने पैसे इन चीजों पे लगा दिए तो बचाएंगे क्या? सही कह रही हैं आप। घर का काम तो वो करती नहीं है, है? रात को उठ के खाने पे चली जाती है, दोपहर को भी कभी पिज्जा मंगवा लेगी कभी बर्गर। इतने पैसे बर्बाद करती है न लल्ले तलल्लों पर। अच्छा, मैं समझाऊंगी उसे। मैंने तो सोचा था शादी हो गई है अब सुधर जाएगी, क्या पता था मजीद बिगड़ जाएगी। आफिया भाई तुम ही समझाओ, शायद तुम्हारी और ऐमन की बात वो समझ जाए। मेरी तो हर बात का वो उल्टा मतलब निकालती है। करूंगी बात मैं उससे। अच्छा मैं चलती हूँ आफिया, फैसल का खाना भी जाके पकाना है, उसने तो कुछ नहीं तैयारी की। मजा ले। मीठा भाई, घर का काम शुरू किया है या नहीं अभी तक? शादी को अभी 2 माह हुए हैं हमें, अभी से मासी बन जाऊं। खाला ने भरे होंगे आज आपके कान। वो क्यों भरेंगी मेरे कान? मेरा अपना दिमाग नहीं है? और इसमें मासी बनने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा अपना घर है वो। औरत का कोई घर नहीं होता, इसलिए कि उसकी जुबान बड़ी लंबी होती है। खाला से मुझे आप सांस लगती हैं ज्यादा। मैं अगर तुम्हारी सास होती ना समझ, सीधा करके रख देती। फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कोई भाई नहीं दिया, वरना किसी लड़की की बदुआएं लेती रहती हैं आप। इधर उधर की बातें नहीं करो, जो पूछ रही हूँ वो बताओ। क्या पूछ रही हैं आप? घर के काम में हाथ बटाना शुरू करो अब। फैसल ने काम वाली रखवा दी है मुझे, तो मैं क्यों काम करूँ? ये चोंचले ज्यादा दिन नहीं चलते हैं समन। आपा इस उम्र में घर का सारा काम करती हैं, 3 वक्त का खाना बनाती हैं। तुम कुछ ना करना, सारा दिन बैठ के स्टार प्लस देखती रहना। तो जब फैसल को अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है तो मैं क्या करूँ? बनाए फिर खाला खाना। बहुत काम कर लिया है उन्होंने समन, सारी जिंदगी मेहनत की है, अब थोड़ा आराम दो उन्हें। तुम अम्मी आप ये नहीं बातों की वैसे ना, मैं आती नहीं हूँ। वो खाला है तुम्हारी, तुम्हारा लिहाज करती है। कोई और होती ना खरी खरी सुना देती खड़े खड़े। कोई लिहाज नहीं करती वो मेरा, जब उन्होंने कुछ सुनाना होता ना तो खरी खरी सुनाती है वो भी मुझे। तुम पे बड़ा असर हो जाता है उनकी बातों का। अम्मी छोड़े ना, इतने दिनों बाद आई है वो और कितना समझाएंगी। बस बस अब ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे फैसल को इस काम पे लगाया हुआ है और यहाँ पे तुम मिल जाती हो इसे हमजाद अपनी। शादीशुदा है, घर बार वाली है, कल को बच्चे हो जाएंगे, कब जिम्मेदारियों को संभालना सीखेगी ये? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। भी मैंने आपसे बात करनी है। खैरियत बोलो। आजकल तो तुम नजर ही नहीं आते बेटा। जब से शादी हुई है ना तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता मेरे पास बैठने के लिए। ये बात पक्की नहीं है, वो फैक्ट्री में मसरूफियत बहुत है। हाँ बेटा, फैक्ट्री की मसरूफियत जो है वो तो है। फिर उसके बाद जब तुम रात को आते हो तो अपनी बेगम के साथ खाने के लिए निकल जाते हो। इसी वजह से तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। आप खाला जान से समय की शिकायतें ना किया करें। मैंने कौन सी शिकायतें की? जो कोई भी, बस ना कहा करें उसको कुछ। देखिए, अगर समन घर में काम नहीं करती है तो मुझे कोई मसला नहीं है, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। और मुलाजमा तो रख ली है ना मैंने, बस आप खाला जान से शिकायतें ना लगाया करें। देखो, अगर वो घर का काम नहीं करेगी तो आगे जाके तुम्हें ही मसला होगा। मुझे कोई मसला नहीं है अभी, ना आज है ना कल होगा। अगर तुम्हें मसला नहीं होगा तो आगे जाके तुम्हारी औलाद को मसला होगा। तो लड़कियों को घर के कामकाज करने की आदत होनी चाहिए। आखिर नौकरों पर तो नहीं छोड़ सकते ना घर, हैं? जिसका घर होता है उसी को संभालना होता है। संभाल लेगी, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। वो संभालेगी अगर तुम उससे कहोगे, वरना वो नहीं संभालेगी। अब देख लो, सारा दिन फारिग बैठी होती है, या फोन पे अपनी सहेलियों से बातें कर रही होती है, या टीवी देख रही होती है, और अगर उसे कुछ कहो तो उसे बुरा लगता है। और अब मैं देख रही हूँ कि उससे ज्यादा तुम्हें बुरा लगने लगा है। हम भी अभी, मेरी शादी हुई भी कितना अरसा हुआ कि उसमें मैं जबरदस्ती करना शुरू कर दूं। जबरदस्ती करने को कौन कह रहा है, लेकिन एक जिंदगी गुजारने का भी तरीका होता है या नहीं? भी होता होगा। आप उसको कुछ ना कहा करें, अगर कुछ कहना होगा तो मैं ही कह दूंगा। ठीक है। तस्वीरें तो जबरदस्त खींची हैं भाई तुमने, मुझे नहीं अंदाजा था तुम इतनी अच्छी फोटोग्राफी करते हो। यार भाभी माशाल्लाह हैं इतनी खूबसूरत कि कोई अंधा भी तस्वीरें लेगा तो वैसी आएंगी। अगर तुम ये तारीफ समन के सामने करते तो पूरी दाद मिलती। भाई तुम भी दाद दे सकते हो, आखिर तुम शौहर हो उसके। नहीं भाई, मैं बीवी की अदम मौजूदगी में उसकी तारीफ नहीं कर सकता। ये बात तो मैं जरूर बताऊंगा समन को। हाँ बता देना, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा भाई, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बड़ा यकीन है भाई। क्या तो है यार। तुम्हें पता है मेरी बीवी और सालेहा भाभी बिल्कुल एक जैसी है। नहीं, सालेहा और समन में कुछ भी कॉमन नहीं है। वो क्यों? सालेहा बेचारी एक आम सी, एक बेवकूफ सी, सादा सी औरत है। समन माशाल्लाह स्मार्ट है, बहुत लकी आदमी है। वो तो हूँ मैं यार। जॉन या अल्लाह तेरा शुक्र है। समझ नहीं आई बहुत दिनों से, वो भूल गई है हमें। अम्मी भूली नहीं है, नाराज हो गई है। पिछली बार जब आई थी तो कुछ ज्यादा ही नसीहतें करती थी। मैं मना भी कर रही थी आपको। जो कुछ भी कहा था ठीक ही कहा था मैंने। ये तो उसकी अपनी खाला, उसकी सास है, उनकी जगह कोई और औरत होती ना, पता नहीं कितने मसले खड़े हो चुके होते। खैर है अम्मी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी है ना अभी वो। छोटी भी है और बेवकूफ भी है। नहीं अम्मी, बेवकूफ नहीं है वो। है। कुछ नहीं, थोड़ा ऑफिस का काम। अरे ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो पिकनिक पे खींची थी आजम ने। अच्छा, देखने के लिए भेजी या दे दी हमें? हमारी कॉपी है, अगर देखने के लिए भेजी होती तो जरूर देते। कितनी अच्छी तस्वीरें खींची हैं आजम ने। अगर किसी के पास भी इतना महंगा कैमरा हो ना तो ऐसी तस्वीरें आएंगी। अब सारा कमाल कैमरे का थोड़ी होता है। बहरहाल आजकल अजहर स्पेन जाने की तैयारी कर रहा है और सारी फैक्ट्री की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। स्पेन क्यों? बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा है। छुट्टियां गुजारे बाहर जाते हैं? जा सकता है भाई, बड़ा आदमी। चार्जर कहाँ है? सरप्राइज। वालेकुम अस्सलाम। मैं किसी जरूरी काम से आया था यहाँ पर। मैं बस कुछ शॉपिंग के लिए आई हुई थी यहाँ। लेकिन लगता है अभी तक शॉपिंग शुरू नहीं हुई। हाँ, अभी सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। तो चलो ना, मैं तुम्हें कराता हूँ रियल शॉपिंग। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। भाई क्या बात है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है इसलिए ऑफर कर दी। हाँ, अगर कोई होता तो ना कहता। अब जब कोई नहीं है तो फिर मैं कंपनी कर देता हूँ। आप तो अपने किसी काम से आए ना, फिर आपको फैक्ट्री भी जाना होगा। अब फैक्ट्री का कोई मसला नहीं है, वहाँ पर फैसल है और वैसे भी मेरे पास 2-3 घंटे तो हैं। एक काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा लंच करते हैं, ठीक है? ये बताओ वो रिश्ते वाली ने क्या कहा? पर आपा 1-2 रिश्ते दिखाए हैं उसने, लेकिन अभी तक लड़के वालों की तरफ से कुछ जवाब नहीं आया। लड़के वालों के दिमाग भी तो आजकल आसमानों पर है ना, लड़की को कम और घर बार को ज्यादा देखते हैं। तुम क्यों परेशान होती हो? अल्लाह ताला कोई अच्छा ही सबब बनाएगा। तुम्हारी बेटी तो इतनी अच्छी है। जी आपा, बस मैं तो हर वक्त उसके लिए दुआ करती रहती हूँ। मैं जानती हूँ, मेरा कोई और बेटा होता ना तो ऐमन को छोड़ती मैं भला। मैं सोच रही हूँ कि मैं फैसल को कहूँगी उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढे। हाँ, फैसल के मिलने जुलने वालों में तो काफी अच्छे लोग हैं। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तुम्हें परफ्यूम पसंद है? ओ बाहर कौन औरत होगी जिसे परफ्यूम पसंद नहीं होंगे? रॉन्ग क्वेश्चन। ये सवाल तो औरतों से किया ही नहीं जाना चाहिए, एक ये और एक उम्र का। तो फिर ऐसा करते हैं कुछ परफ्यूम खरीद लेते हैं। अरे नहीं, मैं आज परफ्यूम की शॉपिंग थोड़ी कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरी फरमाइश पे ले लो। लेकिन हाँ, इट्स ओके इट्स ओके, परफ्यूम मुझे ही पसंद है, शायद इसी बहाने मैं भी ले लूँ। जस्ट अ सेकंड। ओह, फैसल की कॉल। हेलो, कहाँ हो भाई? जावेद साहब बैठे हैं मेरे साथ। यार बस इमरजेंसी में निकलना पड़ा, थोड़ी सी शॉपिंग करने आ गया। भाभी को शॉपिंग करवा रहे हो क्या? हाँ, भाभी को शॉपिंग करा रहा हूँ। तो ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकते हो तो मैं इनसे कोटेशन ले लेता हूँ। हाँ तुम ले लो कोटेशन, नो प्रॉब्लम, मैं फैक्ट्री आके देख लूँगा। ओके ओके, चलें भाभी। जी जी बिल्कुल। आदत तो नहीं आ सकते हो, थोड़ी बिजी हो थोड़ा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। फैसल भाई ज़रा आज़र से तो बात करवा दें, मैं कॉल कर रही हूँ वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे। आज़र भाभी वो तो ऑफिस में नहीं है, मैं तो समझा था कि वो आपके साथ है। नहीं मेरे साथ क्यों हो गए, ऑफिस में नहीं है लेकिन कहाँ है? भाभी ये तो मुझे नहीं पता। किस वक्त गए थे? बस भाभी अभी अभी थोड़ी देर पहले गया है, वो वापस आता है तो मैं आपको कॉल करवाता हूँ। प्लीज, थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। Thank you. Very nice. Colors अच्छे हैं. You know what? I love white color. Okay. Just love it. वो भी एक नजर आ रहा है. हाँ, but sleeveless, you know. I can't wear. White में तो ये क्या ख्याल है इसके बारे में? Very nice, beautiful, beautiful. बस ठीक है. ये मेरी पसंद का, एक आपको अपनी पसंद का और लेना है। Come on, मतलब इतना एक्सपेंसिव है ये तो। इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम पे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कैसे ले सकती हूँ? प्राइस टैग को मत देखो प्लीज, तुम फैसल के साथ नहीं मेरे साथ आई हो। अब ये कहता है मेरे ख्याल में इसे वाइट या कोई और चलेगा। As you wish. Okay, वाइट तो आ गया। न न न न न न ये अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। आप बिला वजह तकल्लुफ करें मतलब इतना। चलो ठीक है, ये दो तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहूँ। क्यों? आई मीन मैं घर से बहुत कम शॉपिंग करने आई थी, आपने मुझे इतना कुछ ले दिया है, बिला वजह इतने पैसे ज़ाया किए आपने मुझसे। ज़ाया? पहली बात तो ये कि ये कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं है, दूसरी बात ये कि मुझे शॉपिंग करना और कराना अच्छा लगता है, और जो लोग खूबसूरत लड़कियों को शॉपिंग कराते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक वो बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं। हाँ तो बिला वजह मेरी इतनी तारीफ करें, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अजीब बात है, लड़कियों की तारीफ करो तो वो खुश होती हैं, वो नहीं कहती जो तुम कह रहे हो। फिर भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ किया आपने। देखो अगर तुम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करोगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा इस तकल्लुफ का, लेकिन अगर तुम इन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर मेरे पैसे ज़ाया होंगे और अफसोस होगा। नहीं, क्यों नहीं पहनूंगी? इनफैक्ट मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, चीज़ें, परफ्यूम, कपड़े, जूते इस्तेमाल करने के लिए तो खरीदती हूँ। बहुत अच्छा करती हो, वरना मेरी अक्सर लाई हुई चीजें सौलिया तो रख छोड़ती है, बड़े बड़े पुरानी हो जाती है, इस्तेमाल ही नहीं होती। आपकी और सौलिया की पर्सनैलिटी काफी डिफरेंट नहीं, बहुत फर्क है। डिफरेंट? जमीन आसमान का फर्क है। नजर आता है। इतना ऑब्वियस हो गया क्या? हाँ कभी कभी मैं सोचती हूँ आपकी और सौलिया की पर्सनैलिटी में इतना फर्क है, एडजस्ट करना मुश्किल ही हो जाता है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, लेकिन क्या करें, कमिटमेंट है, उसे तो निभाना है। यू नो बाकी ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये कॉम्प्रोमाइजेस जो है ना, ये छोटी उम्र के शादियों के बहुत बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक कह रहे हैं। कहाँ गए थे? तुम्हें बताया था शॉपिंग को? झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब? किसके साथ थे तुम? जानते हो मैं किसके साथ था? भाभी के साथ नहीं थे यार, उनका फोन आया तो उन्हें खुद नहीं पता तुम कहाँ थे। तो तुमने क्या कहा उनसे? क्या कहता है यार, झूठ बोलना पड़ा मुझे। जी बिल्कुल नहीं अच्छा लगा यार। थैंक यू यार। यार मैं आइंदा भाभी के साथ झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। किसके साथ थे तुम? यार शॉपिंग करते हुए एक दोस्त मिल गया, उसके साथ गपशप में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला यार। हाँ वो दोस्त लड़की थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार। नहीं पड़ता। तुम अच्छा नहीं कर रहे यार। क्या? तुम जानते हो क्यों? चलो फर्ज करो मैं नहीं जानता, तुम मुझे बताओ। यार तुम शादीशुदा हो, बीवी बच्चे हैं तुम, माय फैमिली पे बुरा असर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। मैं अपनी बीवी और बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम क्या समझते हो उन्हें छोड़ दूंगा? हराल आइंदा भाभी से झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा बाबा ना बोलना, बस रिलैक्स। दिल का मेहमान है, खूबसूरत है वो, दिल का मेहमान है, मेरे महबूब की यही पहचान है, मेरे महबूब की यही पहचान है। थोड़ी मासूम है, थोड़ी नादान है, थोड़ी मासूम है, थोड़ी नादान है, मेरे महबूब की यही हेलो। हेलो समन, मैं आज़र बोल रहा हूँ। अरे आप डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, मैं फारिग ही थी। हाँ यानी आपको फ़ोन करने के लिए ये टाइम सूटेबल है? नहीं वैसे तो इस टाइम मैं टीवी देखती हूँ। हाँ तो फारिग हुई ना। टीवी में फारिग वक्त में नहीं देखती, टीवी देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भूल गया था कि मैं एक खातून से बात कर रहा हूँ। खातून? ओह सो सॉरी, लड़की कहना चाहिए था, एक और गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं, कभी कभी बात करें ना तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक कहा तुमने, सारा मसला ही ये कभी कभी बात करने की वजह से हो रहा है। रोज़ाना बात हो तो ऐसी गलतियाँ हुई ना। वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम फैसल से जिक्र मत करना है इस शॉपिंग का। जी? पता नहीं उसे कैसा लगे। लेकिन मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं कि मैं शॉपिंग पे गई थी, तो अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया तो मैं चली गई। That's good. Actually, मैं नहीं चाहता कि उसे मेरा तुम्हें शॉपिंग करवाना कोई फेवर लगे। फैसल को शायद अच्छा ना। सामान? जी खाला। बेटा मैं जरा तुम्हारी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, चूल्हे पे मैंने सालन रखा, वैसे देख लेना। जी अब मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है खाला। किसका फोन था? वो दोस्त थी मेरी। आप कब तक आएंगी? थोड़ी देर तक आ जाऊंगी मैं। क्या ढूंढ रहे हो? मेरी ब्लैक पेन स्ट्राइप वाली शर्ट ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। हाँ वो काम वाली को दिए प्रेस करने के लिए। मैं कल ऑफिस में पहनना चाह रहा था। शॉपिंग पे गई थी तुम? नहीं क्यों? शॉपिंग में एक्सपर्ट है। वो तो मैं पिछले दिनों शॉपिंग करने गई थी ना, तो वहाँ शॉप पे भूल आई थी, तो वही आज लेने गई थी। वैसे तो शॉपिंग करने नहीं गई मैं। आज़र भी अजीब इंसान है। ये आज़र कहाँ से याद आ गया? वही शॉपिंग से। आज किसी के साथ शॉपिंग कर रहा था, उसे कहने लगा कि मैं भाभी के साथ। अचानक भाभी का फोन आ गया। फिर क्या मुझे झूठ बोलना पड़ा? उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो किसके साथ था? उससे तो कह रहा था किसी दोस्त के साथ हूँ, मगर मुझे यकीन है वो किसी दोस्त के साथ नहीं, किसी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता है? बड़ा रंगीन मिजाज रहा है, किसी गर्लफ्रेंड के साथ होगा और क्या। ओह अच्छा, दिखने में लगता तो नहीं है। इसी का तो फायदा उठाता है वो। तकदीर उसी रात